मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को रायपुर सड्डू स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के शांति सरोवर परिसर में आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के शुभारंभ समारोह में पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने संबोधन में कहा कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार की है। नशा किसी मामले में फायदेमंद नहीं है, न शरीर के लिए न व्यक्तित्व के लिए, इससे नुकसान ही होता है। शराबबंदी के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसने अन्य राज्यों में जाकर भी अध्ययन किया है। नशा मुक्त समाज होना चाहिए और ईश्वर ने जो इतनी सुंदर दुनिया बनाई है, हमें परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन जीना चाहिए। भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लेके प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने अभियान शुरू की है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हम लोग एक उम्र के दौर से गुजर चुके हैं। नशे की शुरुआत या तो बाल्यकाल में या युवावस्था में इसकी शुरुआत होती है। अब सत्यनारायण भैया की उम्र में जाके कोई नशा शुरू नहीं करता, उसकी शुरुआत जब बच्चे छोटे होते हैं या किशोर उम्र के होते हैं तो वो शौक से पीते हैं। कोई कहा पीले चलो तो भी पी, एक सुट्टा मार रहे वहाँ शुरू होता है और फिर उस समय वो आदत पड़ी नहीं रहती, फिर धीरे धीरे जीवन की जो कड़वाहट है उसको भूलती है और फिर उसके फिर आदि होते हैं। बहुत तनाव आ गया तो फिर ज़्यादा सिगरेट बीड़ी पीना शुरू करेगा, शाम को और ज़्यादा तनाव है तो शराब पीना शुरू करेगा, उसके बाद फिर और बड़े नशा हैं और आखिर वो हॉस्पिटल पहुँचता है। जो लोग कंट्रोल कर पाते हैं वो थोड़ा थोड़ा जब लेते ही रहते हैं, लेकिन नशा किसी मामले में फायदेमंद तो नहीं है, न शरीर के लिए न व्यक्तित्व, नुकसान ही पहुंचाता है। अब चाय पीते हैं उसमें कौन सा फायदा है? नशा की बात हो तो महिलाएं तत्काल तैयार हो जाती, बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सारे नशा सब आदमी चलो करते हैं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले 2018 में महिलाओं को बड़ा दबाव था, ये शराब बंदी होना चाहिए, शराब मुक्त होना चाहिए। महिलाओं सम्मेलन था, हम लोगों ने घोषणा कर दी कि शराब बंदी करेंगे। दरअसल शराब बंदी का मतलब ये है कि नशा मुक्ति की तरफ हमको बढ़ना है, नशा मुक्त होना चाहिए। अभी भी जब कोई बैठक है, सम्मेलन है, आम सभा है, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ जाता हूँ तब कुछ तो सच में कहते हैं कि ये बंद होना चाहिए, नशा मुक्ति होना चाहिए। कुछ लोग प्रायोजित रहते हैं और इस मामले में हम लोगों ने कमेटी गठन किया जिसके अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी है। वो अन्य अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी है वहाँ का अध्ययन किए, जहाँ शराबबंदी किए थे उसके वापस ले लिए तो उसका कारण क्या था इसके अध्ययन करने के लिए उनको भेजा गया। लेकिन दरअसल ये जैसे कि अभी बहुत अच्छी बात आदरणीय बनारसी लाल जी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आखिर सरकार है कौन? सरकार तो हम सबसे मिलकर बनता है, तो हम ही सरकार है। लेकिन केवल सरकार प्रदेश के मुखिया होने के नाते मैं अभी आदेश कर सकता हूं कि सारी दुकानें शराब की बंद हो जाएगी, लेकिन इससे समस्या का निदान हो जाएगा क्या?
हमने ये देखा लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, सारी दुकानें बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन बंद था, व्यापार व्यवसाय बंद था, सब लोग अपने घरों में थे, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो घर में पति पत्नी बच्चे सब एक साथ रहने लगे तो घरेलू हिंसा की शिकायतें भी आने लगी। घर है ठीक है, रात विश्राम के लिए है, चाय नाश्ते भोजन के लिए है, लेकिन दिन भर सब लोग एक साथ रहे तो घरेलू हिंसा की भी शिकायतें आने लगी। लेकिन ये देखा गया कि लंबे लंबे समय तक, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने तक के लॉकडाउन होने के बावजूद भी लोग नशा का जुगाड़ कर ही लेते। कोई वनांचल में पहुंच जाते थे, वहां महुआ का शराब उतार लेते, वहां ले आते, तो कोई गुड़ का बनाना शुरू कर दिए, तो कोई कुछ और करने लगे,